Students, namaste. In this video, we start from the solving the question here, the set number 17 and the second question one. What is the question? Question says that to the measure of some angles are given below. Use them to make pairs of complementary and supplementary angles. इसका मतलब है बच्चों हमें इसमें से angles चूज करने हैं, उनको ऐड करना है. एडिशन करने के बाद अगर आंसर 90 आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है. इफ़ द आंसर ऑफ द एडिशन और द सम इज़ 180 डिग्री देन इट इज़ अ सप्लीमेंट्री. सो वी हैव टू ऐड एनी टू एंगल्स, एनी टू गिवन एंगल्स. जो हमें एंगल्स गिवन है, दिए हुए हैं, उसमें से आपको एंगल्स ऐड करने हैं. जस्ट चेक If we angle these two angles, M and N, angle M plus angle, ये कितना होता है 60 plus 30. अगर ये हो रहा है तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री. और कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा हो सकता है? ये देखिए यहाँ 90 और 0, ये इनका भी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है. तो एंगल दूसरा वाला है एंगल E प्लस एंगल वाई, इन दोनों का भी 0 प्लस 90 हो जाता है. अब वो आंसर हो जाता है एंगल. सो ये हो गया. नेक्स्ट थर्ड वन इज हियर एंगल डी प्लस एंगल एफ. सो एंगल डी प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 75 प्लस 15 इज इक्वल टू 90 डिग्री. क्या क्या हुआ था हमारा? एंगल डी प्लस एंगल एफ दोनों करेंगे तो हो जाता है 90. नेक्स्ट अगर हम सप्लीमेंट्री की बात करते हैं, सप्लीमेंट्री में क्या हो जाता है? देखो सप्लीमेंट्री में क्या क्या हो रहा है. एंगल बी प्लस एंगल जी, एंगल बी प्लस एंगल जी, तो वो हो रहा है बच्चों 60 प्लस 120, वो हो जाता है 180. तो एंगल बी एंगल जी यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाते हैं बच्चों. साथ में ये दो एंगल्स आप देख लीजिएगा, मैं अलग कलर से आपको दिखाता हूँ. एंगल एन एंड एंगल जे, एंगल एन प्लस एंगल जे इज इक्वल टू 30 प्लस 150, वो भी हो जाता है एंगल 180. ये दोनों सप्लीमेंट्री के पेयर्स हो रहे हैं. तो एट इन दिस वे हियर वी फाइंड 2 to 3 पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड 2 to 3 पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री. हाउ कैन वी फाइंड आउट हियर? वी हैव फाइंड आउट बाय द एडिशन प्रोसेस. इफ द आंसर इज 180 डिग्री then it is a one a then it is a complementary angles, and if the answer is 90 degree then it is complementary and 180 aata hai to supplementary. Agar ye 180 de raha hai to yahan ho jata hai supplementary, and 90 ho gaya to ho jata hai complementary. So in this we can decide, hum is tarike se bachcho decide kar sakte hain. Now वी कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन थर्ड पढ़िएगा. एंगल ट्राइंगल एक्स वाई जेड, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंगल मेजरमेंट एंगल वाई इज 90 डिग्री. तो हमने एक ट्राइंगल ऐसे कंसिडर कर लिया, उसका नाम है एक्स वाई जेड. इसका मतलब वाई बीच में, एक्स यहाँ है, वाई यहाँ है, ये वाई वर्टेक्स है, ये जेड है. अब अगर इसका इसमें से वाई अगर 90 डिग्री है और ये हमारा इस तरीके से ट्रायंगल बन रहा है, मैं इसे दोबारा ड्रॉ करता हूँ. देखिए उसको कैसे करना था. ये जो थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन ऐसे ड्रॉ करना था. एक एंगल ड्रॉ किया, एक का नाम है एक्स वाई जेड. वाई एंगल कितने का है? 90 का है. तो व्हाट अबाउट एक्स एंड जेड ने कहा था. तो आपको पता है बच्चों कि ट्रायंगल कोई भी हो उसका जो मेजरमेंट होता है वो होता है 180. अब 180 माइनस 90 कर लिया
तो आंसर आ गया बच्चों 90। आंसर कितना आ गया 90। और जब आंसर 90 आ जाता है तो ये आपको पता है यहाँ 90 आंसर आ गया। 90 एंगल किसका है? एंगल एक्स प्लस एंगल जेड, एंगल एक्स प्लस एंगल जेड दोनों का 90 डिग्री है। और जब 90 डिग्री हो जाता है तो ये हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री, ये हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री। टोटल एंगल 180, वाई चला गया 90, एक्स बचा वाई बचा, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 90। इसका मतलब है व्हाट काइंड ऑफ पेयर एक्स एंड जेड, एक्स एंड जेड का पेयर किस टाइप का है, और उसका आंसर है बच्चों यहाँ पर आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री। इसका आंसर हो जाता है बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन तरफ। द डिफरेंस बिटवीन द मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इज 40, फाइंड द मेजर ऑफ द टू एंगल्स। उनका कहना है कि दो एंगल दिए हैं, मान लो कि एंगल एक्स और एंगल वाई, और इनका जो डिफरेंस है यहाँ प्लस के बदले उन्होंने किया है माइनस। इनका कहना है कि माइनस अगर 40 डिग्री है तो एक्स कितना आएगा और वाई कितना आएगा। अब यहाँ पे दिए बच्चों ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है बच्चों ये जब हम ऐड करेंगे तो x प्लस वाई हो जाना चाहिए 90। अब 90 में से डिफरेंस आ रहा है 40, इसका मतलब हमें करना पड़ेगा बच्चों हमें करना पड़ेगा 90 माइनस 40। इसका मतलब है कि हमें अगर डिफरेंस चाहिए तो एक चाहिए, अगर एक एंगल आ जाता है 50 तो दूसरा कितना आना चाहिए बताइए। एंगल इज 65 डिग्री एंड अनदर इज 25 डिग्री एंड 60 माइनस 25 इज 40 डिग्री। सो इन दिस वे जब ये माइनस करने के बाद अगर हमें 40 चाहिए तो वन एंगल मस्ट बी 65 एंड अनदर एंगल मस्ट बी 25। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 5। व्हाट इज द क्वेश्चन 5? इट सेज दैट इन द रेक्टेंगल पी एम एन टी, कौन सा रेक्टेंगल यहाँ पर पी एम एन टी ये पूरा बन गया रेक्टेंगल। राइट द नेम्स ऑफ पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। हमें क्या चाहिए यहाँ पर? सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर चाहिए। सप्लीमेंट्री का मीनिंग होता है जिसका एडिशन करने के बाद दो एंगल्स जब एडिशन करेंगे ऐड करेंगे तो उसका आंसर 180 आना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, रेक्टेंगल में चाहे वो स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो जो भी क्वाड्रिलेटरल हो सारे एंगल्स 90 के होते हैं। तो क्या क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर? बहुत सिंपल है, एंगल पी प्लस एंगल एम, एंगल पी प्लस एंगल एम वो आ जाता है 180। उसके बाद आप एंगल एम प्लस एंगल एन ले सकते हैं, एंगल एम प्लस एंगल एन, या एंगल एन प्लस एंगल टी, या एंगल पी प्लस एंगल टी। यू कैन टेक एनी टू एंगल्स, आपको एनी टू लेके प्लस करना है, कोई भी दो ले लीजिए, जरूर नहीं कि वो साइड वाले ही हो। एनी टू, व्हेन यू टेक एनी टू एंगल्स व्हेन यू ऐड देम इट इज़ 180, बिकॉज रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 के होते हैं। चलते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट इफ मेजर एंगल इज इक्वल टू 70 डिग्री व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए। बच्चों यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट, इफ़ यू रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली, वन एंगल इज गिवन दैट इज ए एंड इट्स मेजरमेंट इज 70 डिग्री एंड दे से दैट
मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसका मतलब है हमें पहले इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। अब ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है 90 डिग्री माइनस 70, वो हो जाता है 20 डिग्री। ये हो जाता है 20 डिग्री। अब हमने पहले कॉम्प्लीमेंट का कैलकुलेट किया, अब इसका सप्लीमेंट्री, अब इसका सप्लीमेंट्री निकालने के हमें करना है। ये जिसका हम सप्लीमेंट्री का सप्लीमेंट्री बच्चों कैलकुलेट करेंगे, सप्लीमेंट्री कैलकुलेट करने के लिए हमें करना पड़ेगा 180 माइनस 20 इज इक्वल टू 160। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप अच्छे समझ जाएंगे क्या है क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन इज है सिक्स्थ इज दैट मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। मतलब पहले आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है और फिर जो कॉम्प्लीमेंट मिलेगा उसका सप्लीमेंट्री फाइंड आउट करना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मैंने यहाँ लिखा है 90 माइनस 70, 90 से माइनस करो तो आपको मिल जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री मिला, इसका सप्लीमेंट्री फाइंड आउट करने के लिए हमने जो सप्लीमेंट्री का प्रोसेस है 180 माइनस 20 किया तो उसका आंसर मिला 160 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। एंगल ए प्लस एंगल बी सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये आपको याद रखने वाली चीज़ है, क्योंकि सप्लीमेंट्री का मतलब होता है अगर हम दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो यहाँ पर 180 आता है। सो दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, इट मीन्स दैट व्हेन वी ऐड दीज टू एंगल्स इट इज 180 डिग्री। सेकेंडली दे गिव द मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, दे गिव द मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, उन्होंने मेजरमेंट दिया हमें बी एंगल का। तो हमने लिखा ए की जगह ए लिखा, बी की जगह बी का मेजरमेंट लिखा, दिस इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। सो द एंगल ए प्लस एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 180। वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द एंगल ए हेयर एज पर द गिवन टास्क, बिकॉज द गिवन टास्क इज फाइंड आउट द एंगल ए। सो वॉट शुड वी डू, वी हैव टू शिफ्ट द अदर वैल्यूज टू द RHS ऑफ द इक्वल टू साइन, हमें इसको इधर शिफ्ट करना है। तो हमने इधर शिफ्ट किया, पहले 20 शिफ्ट किया, 180 माइनस ये प्लस का हो जाता है माइनस, 180 माइनस 20 आ गया 160। देन वी हैव टू शिफ्ट द x, हमने x को शिफ्ट किया तो फाइनल आंसर इज एंगल ए इज इक्वल टू 160 माइनस x। अगर हमें x की वैल्यू पता चल जाती है तो हम मेजरमेंट ऑफ एंगल ए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दिस वे द वैल्यू मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 160 माइनस एक्स।